हरे कृष्णा। जो भी भक्त अपने मोबाइल फोन लाए हो, कृपया उसको आप साइलेंट मोड पर रख दीजिए या बंद कर दीजिए, ताकि कथा में बाधा ना हो। और छोटे बच्चों से अनुरोध है कि माता उनको संभाले, ताकि वो भी डिस्टर्ब ना करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के विशेष रविवार के प्रातःकालीन कक्षा में, और विशेष इसलिए आज का ये पावन पर्व गुड़ी पाड़वा। आप लोगों को शुभकामनाएं आज के नव वर्ष की, गुड़ी पाड़वा के नव वर्ष की। तो चैत्र महीने की शुरुआत, और ये हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार नववर्ष इसलिए मनाया जाता है आज के दिन से, कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, और आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो नया साल है या जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो इस भौतिक संसार में हमारा आना और इस सृष्टि में रहना, और ये सृष्टि में जो सृजन पालन और संहार जो है, इसके वशीभूत होते हुए इस सृष्टि से मुक्त होना, ये कितना मायना रखता है। तो इसलिए आज हमने ये विशेष टॉपिक चूज किया, एंटरिंग न्यू ईयर विथ ओल्ड विजडम। तो सृष्टि जो होती है वो, जिसको समस्मृति भी कहते हैं, कि जिसकी शुरुआत है और फिर जिसका अंत है और पुनः शुरुआत है। जैसे कि हम समय के चक्र, समय को चक्र कहा गया है, और इसलिए चक्र कहने का अर्थ क्या है कि जो भी कुछ अभी आया है वो जाएगा, और जो गया है वो पुनः आएगा। तो जो कुछ नया है वो पुराना होने वाला है, और जो कुछ पुराना था वो अब नया होगा। इसलिए हमारे ग्रंथ, वैदिक संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि किसी भी स्थिति में हमें उस स्थिति से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि वो स्थिति जो है वो आएगी और वो स्थिति जाएगी। भगवान ने कह दिया ये पूरा संसार जो है वो नश्वर है, दुखालय और अशाश्वत है। तो जब ये संसार दुखालय और अशाश्वत बताया गया है, तो हम इसका अनुभव करते हैं, इसके अनुवाद को समझे हैं, परंतु अनुभव कितना किए हैं और अनुभव के पश्चात इसे समझे कितने हैं, ये जब साल बीतता है तो इसका स्टॉक टेकिंग होना चाहिए। बिजनेस में भी जब साल पूरा होता है तो उसका इन्वेंट्री लिया जाता है, स्टॉक टेकिंग लेते हैं। तो हाँ, जब भी ऐसे त्यौहार हम मनाते हैं तो एक तरफ है पूरणपोली, एक तरफ है हम एक दूसरे को शुभेच्छाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जैसे हमें बताया गया है कि जब नया साल शुरू होता है तो हमारी संस्कृति के अनुसार उस नए साल की शुरुआत कड़वा और मीठा, ये दोनों खिलाकर। क्यों कड़वा और मीठा दोनों खिलाया जाता है? क्योंकि ये वर्ष की शुरुआत है, और वर्ष की शुरुआत से समझ लेना चाहिए कि कड़वापन
और मिठास, ये दोनों इस पूरे साल भर में आने वाली है। कई प्रांतों में तो जो छह स्वाद हैं वो छह स्वाद का मिश्रण कर खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, ताकि न केवल कड़वा, न केवल मीठा, बल्कि कड़वा और मीठे के बीच में बाकी जितने स्वाद हैं चार, तो कुल मिला के जो छह स्वाद है वो छहों स्वाद इसको चखने मिलने वाला है इस पूरे साल भर। पिछले साल भी हम चखे थे, हमें लगता है कि आज के दिन से ये साल मीठा होगा, तो इसलिए हम पूरण पोली खाते हैं। हाँ, साल भर भी खा लें, चाहे डायबिटीज हो जाए फिर भी खा लें, परंतु इस संसार में जो नियम बताया गया है कि जिस चीज का जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, और जिसका मरण हुआ है उसका पुनः जन्म वो भी निश्चित है। तो इसलिए ये एक बहुत विशेष घड़ी है, जहां आप देखो कि हमारे जीवन काल का विश्लेषण इसमें किया गया है। क्षणों से जो हमारा जीवन बना हुआ है, क्षण के पश्चात फिर मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल, एक दृष्टिकोण से है क्या हमारा जीवन? हमारा जीवन केवल आंकड़ों से बना हुआ है कि हम नापते हैं इस भौतिक संसार में हमारे जीवन को आंकड़ों से, और ये सारे जो आंकड़े हैं, जैसे हमारी उम्र, साल बीता अर्थात उम्र भी बीती हमारी, तो हम बोलते हैं कि कई बार हम बहुत साल बाद जब किसी को देखते हैं, उसे जब बचपन में देखा और अब बहुत बड़ा हो गया, वो बहुत साल बाद देखते हैं तो क्या कहते हैं, इतना बड़ा हो गया, तो समय कैसे बीत गया, तो इतना बड़ा हो गया। तो यदि वो इतना बड़ा हुआ है तो मैं भी बूढ़ा हुआ हूं, तो उस चीज को याद रखना कि समय जो है वो हमें आंकड़े देता है, हमारी उम्र हम आंकड़ों से नापते हैं कि अभी हम 20 साल के हैं, अभी हम 25 साल के, अभी हम 30 साल के, अभी 40 के हो गए, तो इस प्रकार से वो आंकड़े हैं हमारे उम्र के। और फिर न केवल ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो हमारा जीवन है उसमें इतने आंकड़े होते हैं, उसके आंकड़े होते, उसके बीच में कितने आंकड़े होते, हर चीज का नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो हमारा विशेष नंबर है, मोबाइल नंबर हमारा विशेष आंकड़ा है, आधार कार्ड नंबर वो भी एक विशेष आंकड़ा है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि ये पूरा जो संसार है ये समय के वशीभूत है। जैसे कि सत्युग की शुरुआत, उसके पश्चात वो सत्युग भी खत्म होने वाला है, चाहे वो उसके अंदर कितना भी सत्य हो, परंतु सत्य क्या है, वो युग भी खत्म होगा। इसलिए आज के दिन दक्षिण भारत में उसे उगादी बोलते हैं, वास्तविक शब्द क्या है, युगादी, कि जिस युग की शुरुआत होती है वो है आज का दिन, आज का त्यौहार। तो बहुत ही ये एक मार्मिक दिवस है जहां पर हमें बहुत थॉटफुल होना है, ये समझना है कि कैसे आज के दिन से हमारे इस जीवन काल में एक और पड़ाव आया है, और वो एक ऐसा पड़ाव है कि यदि हम मनुष्य विशेष रूप से इसे नहीं सीखेंगे, जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो हम सब
जानते हैं कि हमारा जो जन्म है वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए हमें दिया गया है। ऐसे ही मनुष्य जो हैं माइंडलेसली कहीं पैदा नहीं होते, सबके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास है। कर्मणा दैव नेत्रेण, कि जो दैव हैं और जो हमारे पूर्व कर्म हैं उनके नेतृत्व में हर किसी मनुष्य को कहीं ना कहीं जन्म प्राप्त होता है उसका। तो हम हाल ही में हमारे के वाक के प्रोग्राम में सुना रहे थे कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय कोई नाम नहीं होता है, कुछ समय बाद नाम मिलता है हमें, परंतु सांसें चल रही है। जन्म लेते ही हमारी सांस प्रारंभ हो जाती है, सांसें चलना प्रारंभ होती है। सो वी आर बॉर्न विथ ब्रेथ्स बट नो नेम, और फिर हमें कुछ नाम मिलता है कि हाँ ये जो पंच महाभूत का शरीर है इसको इस नाम से बुलाया जाएगा। जैसे हम किसी भी वस्तु को भी कुछ नाम दे देते हैं, घर को नाम दे देते हैं, तो एक दृष्टिकोण से वो घर है क्या? वो पंच महाभूत और इन एलिमेंट से बना हुआ है, और अगर एक एक एलिमेंट को नाम दें तो अजीब लगेगा, तो इसलिए वो सब का जो मिश्रण है उसको एक नाम दे देते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये जो शरीर है वो भी एक मकान के समान है। जैसे एक मकान का ढांचा होता है, उसके अंदर ईंट पत्थर फिर जो सलिए हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर जो है इसके अंदर आप देखो जो ये बोन स्ट्रक्चर है वो सब क्या है, वो सब वो सलिए के समान है और उसके ऊपर मालमत्ता डाला हुआ है। और फिर जब ये मकान तैयार हो जाता है 9 महीने में, उसके पश्चात इस मकान को भी हम एक नाम दे देते। सो व्हेन वी आर बॉर्न विथ ब्रेथ्स बट नो नेम, व्हेन वी डाई वी हैव मेनी नेम्स नो ब्रेथ। बहुत से नाम होते हैं, घर का अलग नाम है, ऑफिस का अलग नाम है, फिर वो निक नेम एक अलग है, फिर जो मित्र इत्यादि वो जो नाम बिगाड़ बिगाड़ के बुलाते हैं वो अलग नाम होते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं और उसके पश्चात जो मरण है, फिर से यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये जो संसार का चक्र है हमें ये इतना धीमे चल रहा है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो बहुत धीमी चल रही है, और इसलिए समय का जो प्रभाव है वो कब समझ में आता है, जब हमारे जीवन में उथल पुथल होती है तब समय याद आता है। इसलिए टाइम जो है वो भी बहुत रिलेटिव है कि कब कौन सा समय हमें महत्वपूर्ण लगेगा। जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे हमारे, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, तो जब क्वेश्चन पेपर आता है और उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं और 3 घंटे, ऐसा लगता है कि 3 घंटे कब बीत गए, और दोनों विद्यार्थी, जो विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई किए हैं उन्हें भी इतना लिखने के लिए है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि समय कैसे बीत गया, और जिन्हें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए है नहीं वो भी क्वेश्चन पेपर लेके बैठते हैं और फिर एक समय में समझ में आता है कि भाई इतने एक हाथ जो क्वेश्चंस आते थे उसमें इतना समय चला गया, क्योंकि जितने आते हैं उसको तो पूरा इलेबरेटली लिखें और थोड़ा अपनी तरफ से लिख दें जो टेक्स्ट बुक में नहीं भी हैं कि मेरी राय ये है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो कैसे ये जो समय काल है ये बहुत एक रिलेटिव टर्म है।
जैसे हमारी उम्र, मैं बता रहा था ना कि कुछ समय पहले मैं जब हमारे वृंदावन कॉलोनी की सड़क पर घूम रहा था तो कुछ बच्चों ने मुझे पुकारा, अंकल बॉल देंगे। तब समझ में आया कि अंकल हो गया हूं मैं। वही कुछ समय पहले मैं बॉल खेलते खेलते हमारी कॉलोनी में किसी को कहता था, अंकल बॉल दोगे क्या? तो अभी जो बच्चा किसी को अंकल बुलाता था, अब वो अंकल हो गया। अभी हाल ही में मुझे नजदीक का चश्मा लगा है, तो हमारे शिवांग प्रभु मुझे उस चश्मे में देखे और कहने लगे, प्रभु जी आप अभी बहुत वृद्ध लगते हैं चश्मे में। तो मैंने कहा, लगता हूं मतलब क्या, वृद्ध हूं, बूढ़ा होते जा रहा हूं। तो जब उन्होंने ये कमेंट किया कि अभी आप वृद्ध लगते हैं इसमें, तो उसमें एक छोटा सा साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार ये हुआ, मुझे नहीं पता था कि सुख और उम्र इनमें बनती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि सुख और हमारी उम्र इनमें बनती नहीं है, क्योंकि जब सुख को घर लाया तो उम्र वो नाराज होकर चली गई। जब सुख को घर लाया तो उम्र जो है वो नाराज होकर चली गई, और जब उम्र से वफा निभाई तो सुख दगा देकर चली गई। इसलिए हम देखते हैं कि उम्र और सुख, ये भौतिक प्रकृति ऐसी है कि जब उम्र होती है तो सारे सुख उतने पैसे होते नहीं सुख भोगने के, और जब तक हम पैसे कमा लिए बहुत सारे तब तक उम्र बीत गई। अभी हम लोग यात्रा पर थे, जयपुर पुष्कर इत्यादि ये सारी जगहों पर, तो वहाँ पर हम जब जयपुर में रुके हुए थे दो दिन, तो हमारे माधव कृष्ण प्रभु ने बहुत आलीशान होटल बुक किया था। तो वहाँ पर वो रूम सर्विस वाला आया मेरे कमरे में मुझे कुछ देने के लिए, और उसने मुझे क्या दिया, शैम्पू और कंघी। तो जब उसने बेल वहां पर बजाई और मैंने दरवाजा खोला तो उसके हाथ में शैम्पू और कंघी थी, तो वो शैम्पू और कंघी की ओर देख रहा है, मेरी ओर देख रहा है कि दूं कि नहीं दूं, क्या करूं। मैं भी सोच रहा हूं लूं कि नहीं लूं। तो इसलिए ये है संसार का नियम, पहले जब जबरदस्ती हर महीने नाई की दुकान में मुझे भेजा जाता था, जोर मांग बाल कटा किया, जंगली लग रहा है कैसा, तो जाके बाल कटाते समय हर समय कोसता, ये बाल पिछले महीने तो कटाए थे फिर से उग गए। तो कई बार वो दिन याद आते हैं कि इतने बाल हुआ करते थे कि नाई की जरूरत पड़ती थी। और फिर आलम ये है कि अब जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है लोग। हमारे एक डिवोटी हैं,
बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका। किस चीज़ का है? हेयर ट्रांसप्लांट का। वो पीछे से बाल निकालते हैं, जहाँ कहीं पे थोड़े बाल उगे हुए हैं वहाँ से बाल निकाल के सामने जहाँ हेलीपैड बना है वहाँ लगाते हैं, और एक 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 बाल। यूके में डिवोटीज मुझे पूछ रहे थे कि प्रभु जी इंडिया में कोई आप जानते हैं क्या जो हेयर ट्रांसप्लांट करते, क्योंकि वहाँ पर एक एक बाल लगाने का एक एक पाउंड चार्ज होता है, मतलब एक बाल 100 रुपए का। और हमें याद है नाई की दुकान में ऐसे ही पूरे बिखरे हुए बाल उसको वो झाड़ू मार के फेंक दिया करता था कचरे में। कितना कितने कितना रकम फेंक दिया उसने, हो सकता है कि 1-1 लाख रुपए ऐसे ही फेंक दिया होगा उसने। तो मुझे नहीं पता था कि सुख और उम्र की बनती नहीं, जब सुख को घर लाया तो उम्र नाराज होकर चली गई। इसलिए ये कहा गया है कि जिंदगी जो है वो एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आज दिन तक कोई ढूंढ नहीं पाया। ठीक मायने में लाइफ is that question which nobody has yet found the correct answer, and death is that answer nobody can question. कोई प्रश्न चिन्ह उस पर उठा नहीं सकता। हाल ही में ये शख्स गुजर गए, कौन जानता है? तो इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज पता चली इनके विषय में। इनका जन्म जो यहां पर डेट आप पढ़ सकते हो, 8 जनवरी 1942 इनका जन्म हुआ था, और 14th मार्च अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई। बहुत बड़े इस जमाने के सबसे बड़े वैज्ञानिक जो हुए, 14th मार्च को इनकी मृत्यु हुई। तो 8 जनवरी जब ये पैदा हुए थे तो इनसे पहले के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक गैलीलियो के डेथ एनिवर्सरी उसी दिन थी। इनफैक्ट 300th डेथ एनिवर्सरी ऑफ गैलीलियो वाज़ द बर्थ डेट ऑफ स्टीफन हॉकिंग। और 14th मार्च इज द डेथ डेट ऑफ स्टीफन हॉकिंग विच इज द बर्थडे ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। यह है इस संसार का नियम कि हम जिस दिन हमारा जन्मदिन मना रहे होंगे, हो सकता है कि वो किसी का मरण दिन हो, और किसी का मरण दिन वो हमारा जन्मदिन हो या हमारा जन्मोत्सव हो। ये कटु सत्य है इस संसार का। तो जन्म हमें किसी दूसरे ने दिया, नाम भी किसी दूसरे ने दिया, शिक्षा भी किसी दूसरे ने तीसरे ने दी, रोजगार भी किसी और ने दिया। और ये कितनी बड़ी बात है कि ये सब जो थे वो सारे दूसरे जो हमें सब कुछ दिए, जन्म, नाम, शिक्षा, रोजगार, यहां तक कि मरने के बाद स्मशान भूमि भी और कोई ले जाने वाला है। इसलिए हम किस चीज का घमंड कर सकते हैं? किसी भी चीज का नहीं। यहां तक कि वो जो आत्मा है, यदि हम कहें कि वो हमारा अमर है, तो वो भी भगवान ने बोल दिया है कि मेरा अंश है। हम सब जानते हैं कि सितंबर 11, 2001 WTC क्रैश जो हुआ था अमेरिका में, जो पूरे विश्व को इस आतंकी हमले ने हिला दिया था। तो रिसेंटली कुछ जानकारी हासिल हुई
क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे जानकारियां निकलती रहती हैं जब कोई ऐसा हादसा होता है तो उसके संदर्भ में, कि कई हजारों की संख्या में लोग मरे इस क्रैश में, इस हमले में, परंतु बहुत से जो यदि उस बिल्डिंग में होते तो वो भी मरते, और वो लोग स्केड्यूल्ड थे उस समय जब वो हमला हुआ, वो स्केड्यूल्ड थे वहां पर उस बिल्डिंग में होने के लिए, परंतु वो बच गए, जिसको बोलते हैं सर्वाइवर्स फ्रॉम द WTC क्रैश। तो उनका लिस्ट निकाला गया कि कौन कौन जो सर्वाइवर्स जो बच गए उस क्रैश के, वो कौन कौन थे और कैसे बचे। तो कई बार हमें लगता है, आपको हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे कि ये लोग क्या कर रहे थे जिसके वजह से ये बच गए। तो कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो हमारे अनुसार नहीं हो रहा, या हमारे लिए वो आगे चलकर हमारे वेलबींग के लिए होगा, हमें कई बार उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह रहता है। तो एक शख्स के विषय में जब उन्होंने जानकारी ली, तो ये व्यक्ति उस समय जब हमला हुआ, वो हर समय हर दिन उस समय उस बिल्डिंग में वो रहता था ऑफिस में अपने, परंतु सितंबर 11, 2001 ये व्यक्ति, इसने पहली दफा अपने बेटे को स्कूल छोड़ने का एक डिसीजन लिया कि मैं छोड़ के आऊंगा, नहीं तो स्कूल बस या फिर उसकी पत्नी वो ये काम किया करते थे। अचानक इसने सोचा आज मैं मेरे बेटे को KG नर्सरी में छोड़कर आऊंगा। तो क्योंकि ये गया छोड़ने के लिए, तो ये अपनी ऑफिस देरी से पहुंचा, जब तक कि वो हमला हो चुका था। फिर दूसरा उदाहरण कि एक बंदा वो बिल्डिंग में था और ये सुबह के समय हुआ ये अटैक, ऑफिस शुरू होते ही। तो एक बंदा वो अपनी ऑफिस में था और उसने अचानक देखा कि बहुत से उसके जो कलीग्स हैं उन्होंने नाश्ता नहीं किया है, जल्दबाजी में आए और उन्होंने नाश्ता नहीं किया था, काम शुरू कर दिया। तो ये गया नीचे उनके लिए कुछ नाश्ता लेने के लिए, और नीचे उतरा ही था, 5-10 मिनट वो गया किसी डोनट स्टोर में डोनट्स लेने के लिए, और पीछे क्रैश हो गया। एक महिला, उन्होंने कहा कि वो समय पर अपनी ऑफिस आया करती थी, परंतु उस दिन उसका अलार्म बजा नहीं और वो कोसने लगी कि जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कि मैं ऑफिस में कभी लेट नहीं आई हूं, इस अलार्म के वजह से आज मैं लेट हो गई, अपने अलार्म को कोस रही थी। परंतु जब देरी से पहुंची तो देखा कि ऑफिस क्या पूरी बिल्डिंग ही नहीं है। एक व्यक्ति, वो उसने अपनी बस मिस कर दी। एक और महिला, उसे टैक्सी नहीं मिली। वो अभी न्यूयॉर्क शहर में, जैसे कि बंबई शहर है, सब जगह पर टैक्सियां होती, परंतु ये महिला ये आधे घंटे से हाथ दे रही है, कोई टैक्सी वाला रुक नहीं रहा है, कोस रही है क्या हो गया आज टैक्सी वालों को, कोई टैक्सी वाला रुक क्यों नहीं रहा है, और आधे घंटे तक उसको टैक्सी नहीं मिली। एंड रिजल्ट क्या हुआ, क्या मिला उसको, उसका जीवन, उसको टैक्सी नहीं मिली लेकिन उसको जीवन मिला। एक महिला, वो अपना नाश्ता ले रही थी और लेते लेते वो जो खा रही थी वो उसके कपड़ों पर गिर गया,
वो जो खाना खा रही थी वो उसके कपड़ों पर गिर गया और उन कपड़ों को चेंज करने के लिए वो घर आई और इसके पीछे वो हो गया। एक महिला वो हाई हील पहनकर निकली थी अपने घर से, तो उसके पैरों में छाले पड़ गए। उसने उसको उसकी आदि नहीं थी वो पहनने की, तो उसके पैरों में छाले पड़ गए और उन छालों के ऊपर बैंडेड लगाने के लिए वो रास्ते में एक मेडिकल स्टोर में रुकी, तो उसमें 5-10 मिनट लेट हो गई और बैंडेड लगाकर वो यही कोस रही थी कि लेट हो गई। वो बैंडेड वाला जो था वो समय पे निकाल के दे नहीं रहा था बैंडेड। फाइनली जब तक पहुंची तो जो हादसा देखा, तो ऐसे बहुत से ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जब वो जहां पर होने चाहिए थे वो वहां पर नहीं थे। और कई ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि जो वहां पर नहीं होने चाहिए थे उस ऑफिस में वो उस दिन आए। बहुत साल पहले मैं मेरे मामा जी आगरा रहते हैं, तो मैं आगरा गया था कुछ काम से उनसे मिलने, तो दिल्ली से गया था आगरा। और आगरा वहाँ पर उनका जो एड्रेस था वो एड्रेस एक्चुअली ऐसा था कि वहाँ पर कोई पब्लिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट वगैरह मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये शेयर्ड जीप थी वहाँ पर, तो शेयर्ड जीप से जाना था। और वो जीप ऐसी थी कि कुछ 8-10 आप पीछे बैठ जाओ, आगे 2-3, और जैसे हम जानते हैं कि कोई भी शेयर्ड ऑटो या ऐसा व्हीकल कैसे चलाते हैं वो लोग। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, पीछे से जीप ओपन थी और 8-10 थे पैसेंजर्स उसके अंदर, और वो इतना फास्ट चला रहा था वो जीप, जैसे काली पीली गाड़ियां आप देखे होंगे यहाँ नासिक में, लोग जो टैक्सी चलाते हैं कितनी फास्ट चलाते हैं, मारुति वैन वगैरह, तो बहुत फास्ट चला रहा था। और उसका जो फ्यूल मीटर था उसमें दिखा रहा था कि फ्यूल एम्प्टी, फ्यूल एम्प्टी, फ्यूल एम्प्टी, तो वो ढूंढ रहा था पेट्रोल पंप कहीं पर। तो इतनी फास्ट अचानक उसे पेट्रोल पंप दिखा, तो उसने तुरंत राइट टर्न लिया, वहां पर डीजल भराने के लिए उसने राइट टर्न लिया और सामने से एक ट्रक और इस हमारे जीप के पीछे एक टैंकर, इनका हेड ऑन कोलिजन हुआ। वो सामने वाला जो ट्रक था उसका ब्रेक फेल हो गया था और वो हमारे जीप को टकराने वाला था, क्योंकि इसने अचानक पेट्रोल पंप देखा तो इसने सडन टर्न लिया। और मेरी आंखों के सामने मैंने वो एक्सीडेंट देखा, क्योंकि जब टर्न लिया तो हम लोग सब पीछे बैठे हुए थे, पीछे से जीप खुली थी, तो हेड ऑन कोलिजन, जो जो सामने बैठे हुए थे कोई बचा नहीं, और इतनी जोर से उसका धमाका हुआ और जितने जीप में बैठे थे सब लोग किसको धन्यवाद दे रहे थे, भगवान को, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि यदि उस समय वो पेट्रोल पंप उसको दिखता नहीं, वो तुरंत सडन टर्न नहीं लेता, तो वो एक्सीडेंट हमारे साथ होने वाला था। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब तक हम कर्म का नियम, ये समय का जो चक्र है उसके जो नियम है वो नहीं समझेंगे, तब तक हमें ये जो साल और हमारा जीवन काल बीतता जाएगा इसके विषय में साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए समय जो है, जो हमारी जिंदगी है, इसका यदि विश्लेषण किया जाए तो टाइम और स्पेस इससे डिवाइडेड है इस भौतिक संसार में। तो टाइम और स्पेस है क्या? हमारी जिंदगी का लेंथ और ब्रेड्थ है। इसलिए हम देखते हैं अक्सर हम हमारी जिंदगी
कि जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, कि हम हमारे इस जीवन काल में कितना फैलते हैं, अर्थात कितना हम तरक्की करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, कितनी प्रॉपर्टियां कमाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेड्थ। तो एक तो है ब्रेड्थ, उसको बढ़ाते हैं स्पेस, और उसके साथ साथ हमारी उम्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो भी तरीके से, चाहे वो स्वास्थ्य को देखते हुए, योगा करते हुए, हमारी सेहत का ध्यान रखते हुए, तो हमारी लेंथ को बढ़ाते हैं। ये दोनों चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। जैसे कि आप देखो हिरण्यकशिपु और रावण, तो हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की अमर होने के लिए, लेंथ बढ़ा रहा था, अमर हो जाऊं अमर हो जाऊं। रावण अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, दूसरों के साम्राज्य पकड़ पकड़ के हड़प रहा था, ब्रेड्थ बढ़ा रहा था, लेंथ ब्रेड्थ, तो ये लोग उसमें लगे हुए थे। परंतु इसके साथ जब हम लेंथ और ब्रेड्थ की बात करते हैं, तो जो ऐसे त्यौहार है, आज का जो त्यौहार है, वैदिक संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि लेंथ और ब्रेड्थ वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार तो हमें मिलने ही वाला है, चाहे हम कितना भी प्रयास प्रयोजन कर लें, वो जो हमारे लिए निर्धारित है वो किसी न किसी प्रकार से घूम फिर कर हमारे पास आने ही वाला है। तो हमारे हाथ में क्या है, डेप्थ ऑफ आर लाइफ, केवल लंबाई और चौड़ाई नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की गहराई क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। अभी हाल ही में हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर से रिलेटेड एक सीनियर डिवोटी श्याम वल्लभ प्रभु, उनका निधन हुआ एक्सीडेंट में। आयुर्वेदिक डॉक्टर परंतु एक्सीडेंट में निधन हो गया। जो दूसरों का स्वास्थ्य ठीक कर रहे थे उनका स्वास्थ्य ठीक था, परंतु मृत्यु का कारण आप देखोगे तो असमंजस में पड़ जाओगे कि ये साधारण सी कोई इलेक्ट्रिक की कार चलाते हुए, वो भी जीवी वाड़ा फार्म में रात के 10:30-11 बजे, और अपने वो एक प्रकार से देखा जाए तो कोई वो वृद्ध अवस्था में नहीं थे, अपने मिडिल एज में थे और काफी स्वस्थ थे, दूसरों को स्वस्थ कर रहे थे। तो इनका मेमोरियल जब हुआ, उस मेमोरियल में राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि ये केवल एक ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं थे कि जीवी वाड़ा ने उनको मान्यता दी थी, बल्कि वो ऐसे डिवोटी थे और डिवोटीज के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए वो जो करना चाहते थे, विशेष रूप से इस परंपरा को, आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते थे। जबकि उन्होंने MBBS किया था पहले, मेरे साथ वो 6 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में थे राधा गोपीनाथ के, मैं तब से उनको जानता था, और उसके पश्चात फिर उन्होंने विवाह किया, उनकी 3 साल की छोटी सी बच्ची, उस मेमोरियल तक उसे पता भी नहीं था कि उसके पिताजी नहीं रहे, क्या बताएंगे उसे, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या बताएंगे उसे। तो अभी तक वो छोटी सी बच्ची को यही बताया गया था कि पिताजी कुछ समय के लिए बाहर गए, कुछ समय के लिए, वो कुछ समय कितना समय हो सकता है कुछ पता नहीं। तो राधानाथ महाराज कह रहे थे कि जैसे जटायु ने पूरी मेहनत कर सीता देवी को बचाने का प्रयास किया परंतु असफल रहे, तो वह एग्जाम्पल जटायु का दे रहे थे महाराज, कि उसी प्रकार से हमारे श्याम वल्लभ प्रभु जो वाड़ा में आए और उन्होंने अपने MBBS करने के पश्चात, अब देखो किसी ने MBBS किया है उसके पश्चात 6 साल वो आश्रम में रहे, ब्रह्मचारी आश्रम में, उसके पश्चात वो गृहस्थ बने, फिर उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर पढ़ाई शुरू की, और वो साधारण व्यक्ति नहीं थे कि
बंबई में उन्हें रिलायंस में जॉब मिला था, उनको और उनकी पत्नी को, उन दोनों ने ऑन्कोलॉजी के ऊपर एक कोर्स किया था लंदन में। तो रिलायंस हॉस्पिटल को चाहिए था कि एक दंपति मिले जिन्होंने ऑन्कोलॉजी पे कोर्स किया है कैंसर के ऊपर, और इन्हें लाखों की सैलरी पर मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर के पास रहने के लिए और परमानेंट ऐसा जॉब मिल रहा था, उसे उन्होंने छोड़ दिया आयुर्वेद को समझने के लिए और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके दादा और नाना, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये हमारा जो लड़का है इस खानदान का, ये आगे चल के आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने बुक्स पढ़ना शुरू करी और कॉलेज वगैरह में कैसे जाते हैं इस उम्र में, तो इसलिए वो ऐसे आयुर्वेदिक आचार्य को ढूंढ रहे थे जो उनको डायरेक्टली वन टू वन आयुर्वेद सिखा सकें। तो एक मिस्टिकल घटना हुई, अचानक उनको, जब वो केरला में थे, तो उनको एक कॉल आता है, अननोन नंबर, कौन है ये बंदा जिसने कॉल किया पता नहीं, ये पूछे कि कौन हो तुम, वो जरूरी नहीं जानना। तो कॉल आता है, ये व्यक्ति कहता है इनको कि ये फलाना फलाना पर्वत है जहाँ तुम रहते हो, इसके नज़दीक एक पर्वत है, कैसे तुम्हें पहुँचना है मैं तुम्हें बताता हूँ, वहाँ पर एक सिद्ध आयुर्वेदिक आचार्य रहते हैं, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो वृद्ध अवस्था में अपनी, उनसे जाकर मिलो। ये जाते हैं, वो सिद्ध आयुर्वेदिक आचार्य उनको मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि इस आयुर्वेद की परंपरा को तुम आगे बढ़ाओ, पैसे कमाने के पीछे मत जाओ, परंतु इस परंपरा को आगे बढ़ाओ, शिष्य तुम और बनाओ। तो इन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि ऐसा ही कुछ करेंगे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, फिर मैं अभी सीख रहा हूँ, तो मैं और कुछ विद्यार्थी मैंने सोचे हैं। इनका एक ख्वाब था कि ये एक ऐसा गुरुकुल खोले कि बचपन से उन बच्चों को ये आयुर्वेद का ज्ञान मिले। तो इनके जहन में कुछ बच्चे थे जिनसे ये शुरुआत करना चाहते थे, तो इन्होंने इनको उन बच्चों के बारे में बताया। तो उसने कहा कि नहीं, ये जो बच्चा जिसके बारे में तुम कह रहे हो, ये बच्चा ये मार्कंडेय गोत्र का है, ज्यादा टिकने नहीं वाला है। तो ये सोचने लगे, आपको कैसे पता ये कौन बच्चा है, मैंने तो खाली नाम बताया आपको। तो इन्होंने कहा कि इसकी माँ को तुम फोन करो और इसको इसकी माँ को पूछो कि इस बच्चे के दाहिने कान के पीछे छोटा सा तिल है, इस बच्चे का नाम है राघव। तुरंत उन्होंने फोन लगाया, वो माँ को पूछा कि आपके राघव के दाहिने कान के पीछे तिल है हल्का सा। वो ये अभी देखो, किसी माँ को अचानक ये फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो माँ ने भी कभी नोटिस नहीं किया था, वो जाके नोटिस किया है, कौन बोल रहा है, किसके बारे में, कैसे पता चला। तो ऐसे ये सिद्ध आयुर्वेदिक आचार्य, उन्होंने कहा और उनको गुरु अपना आयुर्वेद की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए, उसके पश्चात वो अपने शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो यहां से उनकी शुरुआत हुई थी। और फिर हमें लगता है कि अकस्मात उनकी ऐसी मृत्यु हो जाना, तो राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि जैसे रामचंद्र जी सीता को पुनः लेकर आए, यदि और कोई कारण नहीं तो जटायु ने जो प्रयास किया वो विफल न जाए, इसलिए रामचंद्र जी सीता को वापस लेकर आए। इफ नॉट फॉर एनी अदर रीजन लॉर्ड राम एटलीस्ट टू प्रूव जटायु राइट ब्रॉट सीता बैक। तो महाराज कंपेयर कर रहे थे कि श्याम वल्लभ प्रभु जिन्होंने प्रयास किया, बाह्य दृष्टिकोण से हमें लग रहा होगा कि वो इस कार्य में, उनके उद्देश्य में असफल रहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पूरा करेंगे। जैसे तमाल कृष्ण महाराज
कि मृत्यु जब एक्सीडेंट में हुई तो उनके मेमोरियल में जयद्वैत महाराज कहे कि जब तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के साथ थे, जब भी प्रभुपाद को कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा करना होता था, वो हर समय याद करते थे वेयर इज तमाल। जैसे मायापुर, मायापुर का जो चंद्रोदय मंदिर है और अभी जो अद्भुत मंदिर जहां बन रहा है, वो पूरा लैंड तमाल कृष्ण महाराज ने डील करी थी उसकी। बहुत फेमस हिस्टोरिकल पास टाइम है। और बंबई का मंदिर, वृंदावन का मंदिर, जहां पर भी ये बड़े बड़े मंदिर हम देखते हैं इंडिया में इस्कॉन के, इनमें तमाल कृष्ण महाराज का योगदान था। बहुत जिसको बोलते हैं राइट हैंड ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो जयद्वैत महाराज बोल रहे थे कि अचानक मैं भी उसे उधर मायापुर में ही था। हम लोग सब सुबह सुबह 5 बजे तमाल कृष्ण महाराज को सी ऑफ किए। उस दिन फरवरी का महीना था, मायापुर में जीबीसी मीटिंग के लिए तमाल कृष्ण महाराज आए थे बहुत सालों बाद। तो एक बहुत बड़ी न्यूज थी कि मायापुर में इस्कॉन के ये लेजेंड आए हैं। और रोज वो शाम को कीर्तन रखा करते थे अपने रूम में, और वो केवल एक छोटी सी करताल बजाते थे और बाकी बीबी गोविंद महाराज, शिवराम महाराज, राधानाथ महाराज, इनको कीर्तन करने के लिए कहते थे रोज शाम को। तो फिर जब वो निकल रहे थे मायापुर से सुबह 5 बजे, सब लोग मंगल आरती के पश्चात इनको सी ऑफ कर रहे हैं जहां पर गरुड़ जी की मूर्ति है वहां से। और वो निकले और 6:15 बजे न्यूज सबको मिलती है कि तमाल कृष्ण महाराज एक्सीडेंट में गुजर गए। वही डिवोटीज जो हम लोग सब अभी अभी उनको सी ऑफ किए हैं, मायापुर से कलकत्ता के रास्ते में एक्सीडेंट उनका होता है, अकस्मात मृत्यु। तो जयद्वैत महाराज बोल रहे थे कि जैसे प्रभुपाद अर्जेंटली बुलाते थे तमाल कृष्ण महाराज को प्रोजेक्ट के लिए पूरा करने के लिए, वैसे ही प्रभुपाद किसी दूसरे प्लैनेट में कहीं कुछ अर्जेंट प्रीचिंग प्रोजेक्ट शुरू किए होंगे और उनको तमाल कृष्ण महाराज की जरूरत पड़ी होगी, तो उन्होंने तुरंत बोला वेयर इज तमाल, आई नीड हिम नाउ। और भगवान ने उस तरीके से अरेंज किया। तो इसलिए बहुत लंबा जीवन जीना, तरवो किम्न जीवन्ति, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो हजारों वर्षों तक जीते हैं। तो केवल लंबा जीवन होना ये मनुष्य जीवन की सफलता का लक्षण नहीं है। डेप्थ कितना है, उस जीवन में गहराई कितनी है, ये सबसे जरूरी है। डोंट गो फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, लेट्स गो डीपर, लेट्स मेक आवर लाइफ मोर मीनिंगफुल। इसलिए बोलते हैं ना कि मरने पर रिश्तेदार वसीयत देखते हैं और भगवान इंसानियत देखते हैं। तो एक तरफ है इंसानियत और एक तरफ है वसीयत। तो इंसानियत क्या है, द डेप्थ ऑफ आवर लाइफ। वसीयत क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ। सो लाइफ इज लाइक दिस गेम ऑफ चेस। हम सब शतरंज खेले होंगे, हमारे पहले के जीवन में, अर्लियर पार्ट ऑफ माय लाइफ बहुत हम खेलते थे। मेरे पास एक चेस बोर्ड हुआ करता था, मैग्नेटिक चेस बोर्ड, उसको साथ में लेके मैं घूमता था अपने साथ। तो इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ भी खेला करते थे। चतुरंग मेंशन्ड है भगवान के विषय में, तो वहीं से फिर आगे चल के ये जो जिसको शतरंज बोलते हैं हम लोग। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये गेम, जिसके अंदर आप देखो कि लाइफ लेसन्स हम क्या ले सकते हैं। ये गेम ऐसा है कि बुद्धि से, दिमाग से धैर्य होना चाहिए इसके, इसको खेलने के लिए, जीतने के लिए।
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए, थॉटफुलनेस, ये सारी चीजें जो कि हमारी जिंदगी में, यदि हमें हमारी जिंदगी के ऊपर कुछ विजय प्राप्त करना है, हमारे स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो इसके जो रूल्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे इस गेम की शुरुआत होती है, हम सब जानते हैं 16 पीसेस दोनों को मिलते हैं, जो दोनों ओपोनेंट्स हैं उनको ईच को कितने मिलते हैं, 16 पीसेस मिलते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमें भी हमारी ये इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार आत्मा, सब मिला के 16 हो गए। हमारा गेम शुरू हुआ, हम जन्मे। अच्छा, अपोनेंट कौन है? अपोनेंट, नीति में एक श्लोक है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, नीति में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जो काल कन्या है या जो काल सर्प है वो एज एन अपोनेंट बैठा हुआ है हमारे साथ खेलने के लिए चेस, और इसकी जो दो आंखें हैं वो दिन और रात है, और वो हमें, जैसे आप देखो आजकल होते हैं ना ये सारे ऐप्स होते हैं, ये गेम्स के भी ऐप्स होते हैं। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप में पहले बाय डिफॉल्ट इसके अंदर चेस गेम था, एप्लीकेशंस के अंदर चेस गेम था। तो बहुत बार फ्लाइट में जब 3-3, 4-4 घंटे सेमिनार प्रिपेयर करने के बाद, फिर थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मैं चेस खेलता था, वो आदत थी पहले से। और ये कंप्यूटराइज्ड, ये कंप्यूटराइज्ड जो ओपोनेंट होता है, ये आपने थोड़े सा मूव किया पहले से उसका मूव रेडी है आपके अगेंस्ट। तो कुछ 50-60 बार मैं हारा, उसके बाद एक बार खाली उसे जीता, इतनी बुद्धि उसके अंदर होती है। तो मान लो कि काल कन्या और काल सर्प वो एज एन अपोनेंट है। तो हमारी शुरुआत हुई है ना, जब वो चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स में सब अपने अपने पीसेस लगे हुए हैं, अभी तक कोई मारकाट नहीं हुई है, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे कितना सुधरा हुआ सारा गेम है, बोर्ड कितना सुधरा हुआ। बाद में जब वो शुरू होता है, इसने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, फिर सब मार काट, ये सब कुछ शुरू हो गया। तो शुरुआत कई बार हमारे जीवन की सुधरी हुई होती है, जैसे कि चेस का गेम जो शुरू होता है तो सजे हुए सारे पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। फिर बाद में अगर किसी को गेम, कितने जानते हैं रूल्स इस गेम के, तो फिर आपको अच्छा लगेगा ये पॉइंट्स। तो वैसे ही जीवन की शुरुआत सुधरी हुई होती है हमारी, और उसके बाद इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो चेस बोर्ड, जब आप बीच में आके देखो समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा प्यादा कहाँ कैसे पहुंचा, वो घोड़ा कौन सा कहाँ कैसे पहुंचा, हाथी कहाँ कैसे पहुंचा। तो ऐसे ही जिंदगी जब जीना प्रारंभ करते हैं, हमारे इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि अहंकार इन सब के साथ जब प्रारंभ करते हैं, तो धीरे 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 लाइफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। ईच प्लेयर बिगिंस विथ 16 पीसेस। अच्छा, इसमें हर एक पीस जो है उसका एक यूनिक पावर है, वो किसी दूसरे को इमिटेट नहीं कर सकता। अब इसका नियम हम जानते हैं कि घोड़ा यदि है तो वो घोड़ा वो एक ही तरीके से चलेगा कि वो 4 स्क्वायर्स और वो भी उस एल शेप में, और उसे केवल ये अनुमति है कि वो ऊपर से जा सकता है किसी के। इसलिए लोग घोड़ा बहुत पसंद करते हैं, वो छलांग लगा के ऊपर से जाता है, ऊपर से जा सकता है। जो ऊंट है वो केवल डायगनली जा सकता है, वो घोड़े की तरह नहीं जा सकता। तो आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते कि अरे ये पास में लग रहा है, इसको इधर से ही मार दो, अभी क्या है,
नहीं, वो आपको रूल फॉलो करना होगा। तो ऐसी हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां अपने अनुसार, उनको यूनिक पावर्स दिया गया है। जो हमारे कान हैं वो एक जगह पर स्थित हैं, लेकिन एक जगह पर यहां पर स्थित हुए हमको कोई शटर्स वगैरह भी नहीं दिखते इसके, हाँ, बचपन से खुले हुए हैं। लेकिन इतना इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन, पूरा संसार जो घूम रहा है, वो घूमते हुए संसार का इंफॉर्मेशन ये एक जगह पर स्थित कानों को मिलता रहता है, मिलता रहता है वहां से इंफॉर्मेशन। ये आंखें, ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके यूनिक पावर्स हैं इंडिविजुअली, और उसका हमें ये समझना आवश्यक है कि कौन से इंद्रिय का पावर कब, कैसे, किस स्थान पर इस्तेमाल करना। जैसे कि चेस गेम में आपकी शुरुआत आपने की है प्यादे से, उसके पश्चात आप कौन से पीस को कहाँ लोकेट करते हो, उसके अनुसार जो आपकी जीत या हार उस पर निर्धारित है। अब देखिए, जिंदगी में इस गेम के अनुसार जब तक हमने हमारी चाल सोच विचार कर कर नहीं करी है, तो हम बता रहे थे कि दो कारण होते हैं किसी के हारने के। एक तो ओपोनेंट, वो बहुत एक्सपर्ट है खेलने में, बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ द अपोनेंट यू लूज, एंड मेनी टाइम्स यू लूज बिकॉज ऑफ योर स्टुपिडिटी। अपोनेंट वो इतना दिमाग वाला नहीं होगा, परंतु आपने माइंडलेसली कोई कहां पर प्लेस कर दिया, बेचारे राजा को खुला छोड़ दिया और उसको चेकमेट मिल गया, बाद में फिर अरे तेरी दिखाई नहीं। कई बार होता ना जिंदगी में, अरे पता ही नहीं चला कि कब सब कुछ लूट गया मेरा, वन रॉन्ग मूव कैन ब्रिंग यू टू चेकमेट, वन रॉन्ग मूव। तो इसलिए एवरी मूव हैज टू बी वेरी थॉटफुल, सोच समझ कर हमें हमारी जिंदगी के डिसीजंस और कार्य प्रणाली करनी है। इवन द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट मूव कैन बेयर द सीवियरेस्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंसेस। Therefore, life is like this game of chess. You make one move and the will of providence gives you back the consequences for the move which you have made. कई बार ऐसा ही होता है कि हमारी जो चाल होती है, उस चाल के अनुसार उसका प्रतिफल हमें मिलता रहता है। Opponent की चाल हमारी चाल पर निर्भर है, तो हमें लगता होगा कि देखो वो मेरी चाल पर अपनी चाल निर्भर कर रहा है, परंतु होता क्या है कि हम हमारी चाल से ही मात खाकर हार जाते हैं। और फाइनली अंत क्या है कि चाहे वो राजा हो चाहे वो प्यादा हो, वो दोनों, और हाथी हो घोड़ा हो वो ऊंट हो, सारे वो एक ही डिब्बे के अंदर जाने वाले। चाहे 14th मार्च अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे हो या स्टीफन हॉकिंग का डेथ डे हो, या कोई बोले कि 14th मार्च मैं भी पैदा हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुआ था तो मैं भी 14th मार्च पैदा हुआ था, या मैं भी 8th जनवरी पैदा हुआ था जिस दिन स्टीफन हॉकिंग पैदा हुआ था। तो इसलिए हमारा पैदा होना और हमारा मरना, ये सब एक दृष्टिकोण से हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे लिए वो बहुत मायना रखता होगा, परंतु यदि हम देखें कि इस आत्मा का जो सफर है, इस आत्मा की जो यात्रा चली इतने वर्षों से, वो यात्रा कहाँ कहाँ वो आत्मा होकर आया है, और भगवान जानते हैं, और जो कर्म के नियम विधाता बनाए हैं वो जानते हैं, इसलिए वो जब देखते हैं कि हमारा इस ये जीवन का जो काल है, मान लो 60 साल 70 साल जितना भी होगा, उसमें यदि हमने
भगवत प्राप्ति की चेष्टा कण मात्र भी कर ली तो वो जानते हैं कि ये इतनी दूर से इस हद तक आया है, तब जाकर वो प्रयोजन पूरा कर कर रखते हैं हर एक मनुष्य के लिए, ताकि वो इसके आगे फिर से उस कालचक्र में न गिरे। क्योंकि हम वो योजना भगवान की जानते नहीं, वो विधाता की योजना जानते नहीं, इसलिए हमें लगता है कि हमारे जीवन में और एक पशु के जीवन में या किसी अज्ञानी के जीवन में क्या अंतर है। हाँ, जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तब जाकर समझ में आता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे थे, और यहां पर जो हमको ये संधि प्राप्त हुई है, इस संधि से हम अपने आप को कहां तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, वो साक्षात्कार यहां पर जब नहीं प्राप्त होता और जब ये संधि हमसे छीन ली जाती है, कई बार तब उसका साक्षात्कार होता है कि अरे मेरे, मैं जब स्वस्थ था, मैं जब उस अवस्था में था जब मैं जप कर सकता था, जब मैं सत्संग में जा सकता था, मैं भाग ले सकता था, मैं था वहां पर नासिक में, वो गुड़ी पाड़वा के दिन, इसके दिन, उसके दिन, ये जन्माष्टमी के दिन, राधाष्टमी के दिन, मैं था वहां पर। कई बार डिवोटीज ये अनुभव करते हैं जब वो किसी और जगह पर चले जाते हैं जहां पर इस प्रकार का सत्संग नहीं है, तब फिर उसको मिस करते हैं कि जब वो फैसिलिटी थी, जब वो समय था, तब मैंने उसका लाभ नहीं लिया। तो आपके सामने ये हमारे पूरे वर्ष का और हमारे पूरे जीवन का ये एक मैप है कि शुरुआत हमारे जीवन की किस प्रकार से होती है, ये 7 D's, कि जब हम हमारे पिछले कर्मों के अनुसार क्या हमारी लायकी है, व्हाट वी डिजर्व, वहां पर हमें जन्म मिलता है। तो कर्म के अनुसार यदि हम कहें कि जैसे ये एक चक्र है, डेस्टिनी, उसके अनुसार हमको एक प्रकार का जन्म मिला। मान लो कि नासिक में एक परिवार के अंदर, कोई अगर दूसरे जगह पर, कोई भारत से बाहर कहीं जन्मा है, सो व्हाट दैट पर्सन, दैट सोल डिजर्व्ड गॉट दैट बर्थ। तो उसके पश्चात उसकी योग्यता के अनुसार अब वो जिस परिवार में पैदा हुआ, उस परिवार की संस्कृति के अनुसार, कल्चर के अनुसार उसके डिजायर्स पैदा होंगे, उस संघ के अनुसार, वो जो वातावरण में पैदा हुआ है उस वातावरण के अनुसार उसके डिजायर्स पैदा होंगे, और उन डिजायर्स के बलबूते पर वो अपने जीवन की परिभाषा बनाता है, डिफाइन्स वन्स लाइफ। और जब परिभाषा बनाता है तो निर्णय लेता है, डिसीजंस लेता है उस परिभाषा के आधार पर। अब डिसीजंस जो हैं, सॉरी, डेफिनेशंस के बाद डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है, कि एक एक पर्टिकुलर डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है कि हाँ, बिना सोचे समझे हमको लगता है कि हम बहुत से डिसीजंस लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई साउथ इंडियन फैमिली में पैदा हुआ है, तो वो जो लैंग्वेज है, वहाँ का रहन सहन, खान पान जो है, वो उसका डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। He deserved to be born there because of which he had certain desires as far as his lifestyle is concerned. That became his default setting. जैसे कि आप अगर कोई सेल फोन लो तो एक डिफॉल्ट रिंगटोन होता है उसका, फिर उसके ऊपर आप उसको चेंज कर सकते हो। यहां पर डिलिबरेशन जो ये डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिलिबरेशन है कि मैं मेरे डिफॉल्ट सेटिंग्स को यदि चेंज कर दूं तो मेरे डिसीजंस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब देखो, जो जानवर होते हैं उनकी, उनके जीवन में ऐसा नहीं कि उनकी इच्छाएं नहीं होती, जानवरों की भी इच्छाएं होती,
वो भी एक माहौल में पैदा होते हैं, दे डिजर्व टू बी बॉर्न समवेयर लाइक एन एनिमल. कोई अगर कुत्ते की योनि में पैदा हुआ है या बिल्ली की योनि में पैदा हुआ है तो योग्यता के अनुसार वो आत्मा उस शरीर में, पशु के शरीर में पैदा हुआ. और उस पशु के शरीर में पैदा होने के बाद अब वो आत्मा उन इच्छाओं को रखता है. जैसे कि कोई अगर सुअर पैदा हुआ है तो वो जो सुअर की इच्छाएं हैं वो इच्छाएं उसकी होगी. इंद्र की कहानी हम जानते हैं कि वो जब एक बार सुअर बन गए थे तो उस प्रकार की इच्छा वो करने लगे, सुअर की इच्छा. लेकिन उनके जो डिसीजंस हैं और उनके जो डिजायर्स हैं, डिसीजंस और डिजायर के बीच में डिलिबरेशन का स्कोप नहीं है जो कि हम मनुष्यों को है. जैसे मान लो कि बिल्ली के सामने चूहा है, बिल्ली अभी उसको खाने वाली है और उस दिन एकादशी है, तो बिल्ली ये नहीं सोचेगी कि आज एकादशी है, आज ये नहीं खाना चाहिए. देयर इज नो स्कोप फॉर डिलिबरेशन फॉर एनिमल्स. इसलिए उनके जो डिजायर्स हैं और उनके डिसीजंस जो हैं वो ऐसा लॉक्ड है वो. परंतु हम मनुष्य जो हैं, हमारी इच्छा और डिसीजंस, डिजायर्स और डिसीजंस के बीच में हम डिलिबरेट कर सकते हैं कि हम वो करें या ना करें. इसके बीच में हमारे उसूल, हमारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं. कई बार डिजायर्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते क्योंकि हम डिलिबरेट कर सकते हैं. तो ये बीच वाला जो डी है, डिलिबरेशन, ये टर्निंग पॉइंट होता है. नहीं तो आप देखो बाकी सारी चीजें जो है एक प्रकार से प्रोग्राम तरीके से हम लोग जीते हैं. वी डिजर्व टू बी बॉर्न समवेयर, बिकॉज ऑफ दैट वी डेवलप सर्टन डिजायर्स. वो डिजायर्स एक डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, एक सर्टन कल्चर बन जाता है उसके अनुसार, और फिर एक डिफॉल्ट सेटिंग हो जाता है कि बिना सोचे समझे हम वही चीजें चूज करते हैं. लेकिन उसके बीच में ये जो डिलिबरेशन है, जैसे कि हम यहां पर आते हैं तो यहां पर हमें बताया जाता है कि तुम्हारे डिफॉल्ट सेटिंग्स और डिसीजंस के बीच में जो डिलिबरेशन है उसको यूज कर आप अपना जीवन चेंज कर सकते हो, उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं. और जब हम धीरे 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 उसकी जब दिशा चेंज करते हैं तब हमारे डिसीजंस चेंज होते हैं. जब डिसीजंस चेंज होते हैं तो डेस्टिनी उसको हम चेंज कर सकते हैं. इसलिए महाभारत में धृतराष्ट्र वो दुर्योधन के संदर्भ में हर समय क्या कहता था कि ये तो भाग्य है, ये तकदीर है, ये नसीब है कि दुर्योधन ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, और ये पांडवों का नसीब है कि उन्हें हर समय ये वनवास और दुख और ये भुगतना होगा, ये उनका तकदीर है, उनका नसीब है. तब विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि तुम डेस्टिनी की जो बात कर रहे हो, डेस्टिनी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस पर काम करती है, हमारे एक्शंस के ऊपर नहीं है. डेस्टिनी does not determine our actions, destiny determines our consequences. जैसे कि हमने आज के दिन यहां पर आना निश्चित किया, भगवान का श्रृंगार देखना, भगवान का दर्शन करना, महाप्रसाद खाना, सत्संग करना, ये हमने निश्चित किया, तो ये एक्शन पर डेस्टिनी का कोई नियंत्रण नहीं था. अभी भी उठकर हम जा सकते हैं, बहुत कुछ जाकर कर सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अब डेस्टिनी उसको कहेंगे. डेस्टिनी हैज अ रोल व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस. तो
आठवां जो डी है, जो कि आज हम जिस पर्व को मना रहे हैं, कि हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार, धर्म के अनुसार, ये सारे चीजें धर्म के अनुसार हम कर सकते हैं। यदि हम मनुष्य जीवन में, जैसे हमने कहा कि वो टर्निंग पॉइंट को सही तरीके से लाएं, तो व्हाट वी डिजर्व कैन बी बेस्ड ऑन धर्मा, व्हाट वी डिजायर, व्हाट वी डिफाइन आवर लाइफ, वी कैन चेंज आवर डिफॉल्ट सेटिंग्स, व्हाट टू स्पीक ऑफ डिसीजंस, इवन डेस्टिनी बेस्ड ऑन धर्मा। और भगवत गीता क्लासिक उदाहरण है भगवत गीता का, जहां पर अर्जुन वो डिसीजन मेकिंग ठीक से कर नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से वो अपनी डेस्टिनी को कुछ और देख रहे थे, और ये सब उनके डिजायर्स और डिफॉल्ट सेटिंग को लेते हुए था। तो भगवान ने वो जो पूरी भगवत गीता सुनाई, तो अर्जुन डेलिबरेटेड ऑन व्हाट should be the right course of action, what should be the right decision he should be making at that point of time. तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि हम जब हमारे भाग्य के अनुसार या जो हमारी योग्यता है उसके अनुसार जब हम किसी एक प्रांत में पैदा होते हैं, तो वहां का जो कल्चर है वो कल्चर हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आज हम न्यू ईयर मना रहे हैं, अब भारत में दुर्भाग्यवश वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नया साल है। अधिकांश नहीं तो क्या समझ में आता है कि आज के दिन आप वो लोटा टंगा दो सामने, एक एक झंडा बांध दो, या पूरण पोली खा लो। बट न्यू ईयर मतलब 1 जनवरी, वो हमारा न्यू ईयर है। तो देखो कि कैसे जिस कल्चर में हम पैदा हुए, उस कल्चर के बहुत सारी चीजें हमारे माइंडसेट्स को डिफाइन करती है। और यदि हम फिर से उस कल्चर को नहीं अपनाते, तो हमारा माइंडसेट दूसरे के कल्चर को लेते हुए बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। तो हाल ही में मैं मेरे विजिट में इस विषय पर चर्चा कर रहा था कि जब मैं यूके में था, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे अलग अलग कंट्रीज के जो कल्चर हैं, वो उनके कंट्री के अनुसार, उनके संस्कृति के अनुसार वो वैलिड होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके कंट्री का जो कल्चर है वो दूसरे कंट्री के लिए उसी तरीके से काम में आएगा, उसी तरीके से उसका इफेक्ट होगा। तो उस प्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया सम स्ट्रेंज कल्चर्स ऑफ सम स्ट्रेंज कंट्रीज। जैसे कि आप देखो, कई कंट्रीज में जब लोग मिलते हैं, तो बाहर वाले कंट्री में वो हाथ मिलाते हैं, हाथ उसको बोलते हैं शेकिंग हैंड्स, या पप्पी देते हैं एक दूसरे को। वेस्ट में वो उससे भी आगे जाते हैं, कई नाक रगड़ देते हैं एक दूसरे का, पप्पियां दे देते हैं। भारत में हम लोग हाथ जोड़ते हैं, वो सेफ भी है। हाँ, मैं जब फर्स्ट टाइम अमेरिका गया, तो मुझे वहाँ पर डिवोटीज ने बोला, प्रभु जी अपना भारतीय जो नमस्कार की मुद्रा है बहुत सेफ है ना। क्यों? क्योंकि पता नहीं सामने वाले ने हाथ धोया है कि नहीं धोया। क्योंकि वहाँ पर एक तो वो शौचालय में नल वगैरह होता नहीं है, टिश्यू पेपर यूज करते हैं, वो उनका कल्चर है, तो पानी कहीं कहीं गीला कुछ नहीं होना चाहिए। तो उनकी संस्कृति के अनुसार वो लोग कुछ भी वहाँ पर नल वगैरह गीला नहीं करना चाहते,
नहाते भी नहीं है क्योंकि ठंड इतनी होती है, तो इसलिए वहाँ पर उस कल्चर में वो एक तरीका है उनका अपना जीवन जीने का। तो कई बार उनसे हाथ नहीं मिलाओ, हाथ ऐसे जोड़ दो तो उनको ऑफेंसिव लगता है, हाथ क्यों नहीं मिलाया मुझसे। और इंडिया में आप किसी को नमस्कार करो तो आप सत्कार दे रहे हो, तो देखो यहां की संस्कृति वहां की संस्कृति उसमें अंतर कितना है। जैसे मैं अभी हाल ही में देखा मैंने कि यूके में एक दुकान थी ब्राइडल ड्रेस, दुल्हन का जो शादी का जोड़ा होता है तो उसकी दुकान थी। अभी देखो कितना कल्चर में डिफरेंस है कि वहां जो दुल्हन के शादी का जोड़ा सफेद होता है, सफेद रंग का, वो चर्च में देखा होगा ना आपने, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि वो व्हाइट पूरा गाउन होता है वो पहनती हो, जो ब्राइड होती है वो पहनती। अभी इंडिया में देखो क्या है, वो व्हाइट साड़ी कब कौन पहनता है, शादी के दिन तो कभी नहीं पहनेगी ना वो दुल्हन। इंडिया में आप कल्पना करो शादी के दिन दुल्हन ने पूरी व्हाइट साड़ी पहन रखी है, शादी के दिन हम सब जानते हैं कि वो क्या सिग्निफाई करता, तो कितना डिफरेंस है। वहां पर व्हाइट ड्रेस पहनना मतलब शादी हो रही है, यहां पर पूरा ऑपोजिट है, व्हाइट पहनना मतलब विधवा हो गई। तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज के हमने यहां पर अलग अलग जो फाइंडिंग्स दिखाए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इन कोरिया डोंट स्टार्ट ईटिंग अंटिल द ओल्डेस्ट पर्सन एट द टेबल स्टार्ट्स। अब ये थोड़ा एशियन कंट्रीज में ये कॉमन है, इंडिया में भी हम देखते हैं कि जब कोई वरिष्ठ है तो ऐसा नहीं कि प्लेट सामने आ जाए तो लग जाओ शुरू हो जाओ। तो ये कल्चर उस कंट्री का हम देखें, बहुत सारे कल्चर्स ऐसे उसके अंदर कॉमनैलिटीज आपको दिखेंगी, बहुत सारे कल्चर्स वो उनके लिए बहुत वैल्यू करते होंगे, हमें नहीं पता होगा। जैसे हमारे लिए कुछ कल्चर्स हैं जो बहुत वैल्यू करते हैं, जो और इंडिया में भी आप देखो कि महाराष्ट्र का जो कल्चर होगा हो सकता है कि वो साउथ के कल्चर से थोड़ा अलग होगा, और साउथ का जो कल्चर होगा वो हो सकता है कि नॉर्थ के कल्चर से थोड़ा अलग होगा। जैसे इजिप्ट में वहां पर बताया गया है कि यदि ये सब टेबल मैनर्स बताए हैं खाते समय, कि आपने अगर वो नमक दानी मांग ली तो आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया उस शेफ का, कि आपने नमक कैसे मांग लिया। इसलिए इंडिया में सेफ है, पहले से नमक सर्व कर देते हैं। तो इससे हम ये कंपैरेटिव कल्चर से समझ में आएगा कि हमारे हमें जो वैदिक संस्कृति दी है, छोटी छोटी चीजें जो हमको दी गई हैं, वो चीजों के पीछे लॉजिक है, उसके पीछे एक रीजन है। फिर कजाकिस्तान, वहां पर ये नियम है, इफ यू सर्व टी बट ओनली हाफ ऑफ अ कप, डोंट आस्क फॉर मोर बिकॉज फुल कप मीन्स दैट द होस्ट वॉन्ट्स यू टू लीव। अब अगर इंडिया में हम देखते हैं तो हम भर के देते हैं पूरा, हाँ तब तक वो उसके नीचे बशी भी लगा के देते हैं कि उसे उलट के गिर जाए तो उसमें से लेना। जैसे मुझे याद है मैं पिताजी के साथ जाया करता था, पिताजी ले जाया करते थे, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के हेड थे, तो बहुत से जो ऐसे क्लाइंट्स जो उनकी कंपनी में माल पहुंचाते थे तो वो बुलाते थे, तो पिताजी कई बार मुझे ले जाते, तो एक क्लाइंट्स अभी स्टोर्स एग्जीक्यूटिव को वेलकम कर रहे हैं क्योंकि इनका माल यही पास कराएंगे, तो कोल्ड ड्रिंक लाके ऑफर करते थे। तो अभी मुझे तो पता नहीं था वो अपना जो टेक्निकल बातें कर रहे थे, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक में इंटरेस्ट था वो कब आने वाला है, तो कोल्ड ड्रिंक और उसमें स्ट्रॉ डाल के गोल्ड स्पॉट, उस समय जमाना गोल्ड स्पॉट का था तो गोल्ड स्पॉट देते। तब ये लोग सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, पिताजी और वो क्लाइंट, बिजनेस का सीरियस डिस्कशन चल रहा है,
मैं अपना गोल्ड स्पॉट पी रहा हूँ, अचानक फुर्र करके आवाज आती है, है ना। हम लोग इंडिया में आदत क्या है, एक ड्रॉप भी छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा टिल्ट करके स्ट्रॉ को लास्ट कोने तक, है ना, और फाइनली अगर वो स्ट्रॉ में भी नहीं आ रहा तो स्ट्रॉ को निकालो, पूरी बोतल पूरा साइड में करो। वो फ्रूटी आती थी पहले, फ्रूटी को पूरा चीर फाड़ करके अंदर अगर उसमें इतना भी बूंद कहीं रह गया है तो उसको पूरा निकाल के फाइनली वसूल करना है। तो फुर आवाज आती थी, तो पिताजी मेरे को एक बार बोले, अगली बार से वो आवाज आई ना तेरे को लेके नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्या हुआ, तो मुझे बोलते थे हर समय इतना सा छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा क्यों छोड़ देना चाहिए, बोले अगले को लगेगा पता नहीं कहां से भुखड़ आए। तो बहुत बार फिर अगली बार जो मैं जाता था उनके साथ, तो उतना अमाउंट उतना छोड़ता था, फिर उनकी तरफ देखता था, वो बोलते थे हाँ उससे आगे जाना मत, और वो रह जाता था मन में हर समय उतना छोड़ के आया। इन इंडोनेशिया यू शुड कीप बोथ हैंड्स ऑन द टेबल एट ऑल टाइम्स, खाते समय दोनों हाथ होने चाहिए, ये उनकी कंट्री का रूल है। इन चाइना डोंट ईट एनीथिंग विथ योर हैंड्स एवर, यहां तक कि वो जो ये पिज्जा है वो भी तुमको वो छुरी से कांटे से उससे खाना है, कि चाहे कितना भी टाइम लग जाए वो ठंडा हो जाए लेकिन हाथ आपको इस्तेमाल नहीं करने। इन जापान नेवर लीव चॉपस्टिक्स वर्टिकली इन योर फूड, दिस इज टिपिकली डन एज एन ऑफरिंग टू डेड बाय फैमिलीज एट होम, बट इन अ रेस्टोरेंट इट इज सीन एज कर्सिंग द ओनर। In China, you should never cut your noodles. Long noodles, they symbolize long life, and cutting your noodles symbolizes that you will have short life. In Tanzania, make sure you show up for dinner 20 minutes late. अगर तुम जल्दी पहुंच गए मतलब भुक्कड़ हो खाने के, और वो होस्ट के लिए इंसल्ट है। दूसरे कंट्रीज में अगर आप तुम लेट पहुंच गए, कई कंट्रीज हैं वो लोग टाइम के इतने पाबंद है, यूके के अंदर यदि ये टाइम दिया उस टाइम पर आना ही है तुम्हें। इन जापान यू शुड नेवर पास फूड विथ चॉपस्टिक्स। तो ये सारे जो चीज़ें बताई गई है इन कंट्रीज के अंदर, इनके जो कल्चर हैं, ये एक मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि इटली में जब कोई तुम्हें कुछ खाना देता है तो पहले मना करो। और ये एक बार मैंने भी अनुभव किया यहाँ इंडिया में, कि मैं जब एयरफोर्स में था तो मेरे फ्रेंड की शादी, हम लोग सब गए आगरा में थी उसकी शादी, और वहाँ पर हम लोग सब भूखे पहुँचे हुए थे और कुछ खाए नहीं थे क्योंकि शादी का खाना खाना है। तो वहाँ पर जैसे ही बैठे, अभी हम लोग तो सब बाराती हैं ना, बैठे वहां पर तो सर्व हो गया पूरा फीस्ट, और ये बोल रहा है कोई टच नहीं करेगा, कोई खाएगा नहीं। मैं इसके बगल में बैठा था, क्यों भाई क्यों नहीं खाएंगे? नहीं, अभी तक ससुराल वालों ने आग्रह नहीं किया है। तो मुझे समझा नहीं, आग्रह नहीं किया है? वो आके जब तक बोलते नहीं कि आप खाओ, दो तीन बार बोलते नहीं अरे आप खा नहीं रहे, अरे तो शुरू तो करने दो। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे खानदान का रिवाज है, हमारे खानदान का उसूल है कि जब तक आग्रह नहीं किया जाए। तो मैंने कहा भैया तेरी शादी है, तुझे ससुराल वालों के साथ निभाना है, तू आग्रह के पीछे पड़ा रहे। वहां पर बाकी हम लोग सब बैठे थे, हम लोग शुरू कर दिए, तो इनके खानदान के रिवाज के अगेंस्ट हो गया कि आग्रह नहीं किया। जैसे अभी देखो इंडिया में हम लोग जब किसी के घर से होकर बाहर जाते हैं, है ना, इधर महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, ये तो मी, ऐसे बोलते हैं ना कि आता हूँ मैं। तो मैंने ऐसे ही एक बार
साउथ में एक घर में बोल दिया आता हूं मैं, तो वो कंफ्यूज हो गए। वो बोले शाम के खाने के लिए भी आ रहे हैं। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं बोला नहीं नहीं, बोले आप बोले आता हूं, मैं ठीक है नहीं आता हूं। अभी मैं हमारे कृष्ण चंद्र प्रभु के घर पर था, तो वहां पर वो बता रहे थे कि चित्रकूट में उनका आश्रम है और वो साल में वहां पर भंडारा रखते हैं साधुओं के लिए केवल। तो स्पेशली जब उनके पिताजी गुजरे अरविंद मफतलाल जी, तो उन्होंने पूरे आसपास के जितने साधु हैं उन सब साधुओं को प्रसाद के लिए बुलाया। तो अब ये बड़े बड़े सब अपनी गुफाओं से, अपने अड्डे से, अपने सारे जो उनके महंत वो लोग सब आए थे प्रसाद के लिए। तो इन सब के वो साधुओं में एक नियम है कि जैसे ही वो प्रसाद उनका पूरा हो जाता है तो सर्विंग जो कर रहा है उसको वो बोलते हैं महापूर्णम। महापूर्णम बोल दिया मतलब अब आगे कुछ भी डालना मत पत्तल में। तो उनके लड़के वो प्रियव्रत मुझे बता रहे थे, अभी वो बंबई में पले बड़े साउथ बॉम्बे में, उनको क्या पता महापूर्णम का मतलब क्या होता है। तो लास्ट में वो मालपुआ सर्व कर रहे थे स्वीट, तो साधु उन्होंने एक मालपुआ लिया, फिर उसके बाद में वो पूरा कर दिया, एक ही निवाले में उसको पूरा कर दिया। तो इनको लगा एक और देना चाहिए, इनको अच्छा लगा इतना, तो ये बोले महापूर्णम। अब इनको सुनाई दे रहा है मालपुआ, ये एक और डाल, तो इनको चिल्ला के बोलते हैं महापूर्णम, तो एक और डाला, ऐसे करके पांच डाल दिया, पांच बार ये महापूर्णम। अब इनका नियम ऐसा है कि ये और कुछ बोलेंगे नहीं इसके अलावा, और कोई भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब जाकर उनके जो असिस्टेंट थे वो भाग कर आए, वो बोले कि आपको श्राप मिले इससे पहले आप बंद कर दो ये, महापूर्णम मतलब अभी पूरा हुआ। तो यहां पर आप देखो कि ये सारी जो सात चीजें हैं, व्हाट वी डिजर्व डिजायर डिफाइन आवर लाइफ द डिफॉल्ट सेटिंग्स डिलिबरेशन डिसीजंस एंड डेस्टिनी, ये सब हमारी संस्कृति के अनुसार हमें बताया गया है। जैसे कि आज का दिन, तो आज का दिन ये एक हमारी संस्कृति है जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि ये आज के दिन की शुरुआत या आज से इस पूरे साल की शुरुआत आपको किससे करनी है। जब आपको कड़वा भी खिलाया जाएगा, आपको मीठा भी खिलाया जाएगा, आपको सारे जो स्वाद हैं छह स्वाद वो खिलाए जाएंगे। तो ये संस्कृति जब तक कि हमें बताया नहीं गया, हमें यही लगता था कि ये कड़वा क्यों खिलाया जा रहा है, साल की शुरुआत इससे क्यों हो रही। तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई नियम और उसके पीछे रीजन और लॉजिक दिया गया था। तो बलदेव विद्याभूषण वो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जब हम हमारी वैदिक संस्कृति को पालन करने जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे लिए अननेचुरल है ये जप करना, ये बैठकर श्रवण करना, ये भगवान के सामने नतमस्तक होना, उपवास रखना, हमको लगता है कि ये हमारे लिए अननेचुरल है। नेचुरल क्या है, बस जो मन में आया करते रहो, वो एक बहुत फ्री नेचुरल जीवन है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चा जब उसे कोई माँ कुछ बहुत स्वादिष्ट खिलाना चाहती है और उस बच्चे को लगता है कि माँ मुझे अब तक केवल कड़वी चीजें दी हैं, तो जो भी ये देगी आगे भी वो कड़वी ही होगी। तो बच्चे को एक इमेज बैठ जाती है अपनी माँ की कि मेरे दोस्त जो मुझे देते हैं वो मेरे लिए रुचिकर है, परंतु मेरी माँ जो मुझे देती है वो हर समय या तो दवाई होती है या कोई पौष्टिक चीज होती है जो मुझे पसंद नहीं है। तो ये उदाहरण देते हैं कि जब माँ जबरदस्ती उसे कोई ऐसा पेय पिलाती है
जो उसके कंसेप्शन के अनुसार गलत होगा, लेकिन जब एक सिप उसके मुंह में चला जाता है और उसे लगता है कि अरे ये तो बहुत मीठा है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं उसी प्रकार से हम लोग जब हरिनाम के संपर्क में आते हैं तो ये जो हमारा मन है वो उस नटखट बालक के समान है, शरारती बच्चे के समान है जो पीना नहीं चाहता। इसलिए हमारे गुरुजन हमको जबरदस्ती से पिला रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि कितनी सारी जिह्वा उनको चाहिए। जब वो जबरदस्ती उसको पिलाते हैं तब इतना जो हमको वो कंसेप्शन मिला हुआ है कि अरे ये हमारे लिए मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, 16 माला बिल्कुल भी नहीं, 4 नियम के साथ 16 माला और उसके साथ श्रवण कीर्तन भी करना है, पूरा जीवन आपको बदलना है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। परंतु जब उसको एक हल्का सा टेस्ट लग जाता है तब समझ में आता है कि हाँ ये सही मायने में इसी में स्वाद है। और कई बार वो बालक जब बाहर की चीजें जो तथाकथित स्वाद हैं उसको चक्कर आता है और उसकी सेहत बिगड़ जाती है, तब उसे समझ में आता है कि हाँ मेरी माँ जो मुझे खिचड़ी और दलिया खिलाती थी वही मेरे सेहत के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। और न केवल बल्लभ विद्याभूषण कहते हैं कि न केवल वो पौष्टिक है बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर ये स्वाद भी है। इसलिए धर्म क्या है, धर्म वो चीज है जहां पर हमें होना है, हमारी निर्धारित अवस्था जो है जहां पर हमें होना है, जिस संस्कृति में हमें होना है, जिस संस्कृति से हमें आगे बढ़ते हुए इस विकृति को पार करना है उसे कहते हैं धर्म। तो धर्म के आधार पर हमें हमारे जीवन की इच्छाएं, हमारे जीवन के डिसीजन मेकिंग डेफिनेशंस और डिफॉल्ट सेटिंग्स, ये सब धर्म के आधार पर हमें चेंज करने, और केवल मनुष्य जीवन में ही हम कर पाएंगे। इसलिए आज से बसंत ऋतु भी प्रारंभ हुई है, तो हमारे शास्त्रों में बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि बसंत ऋतु में आप देखो कि प्रकृति में एक अलग प्रकार का सुधार आता है। बसंत ऋतु में एक अलग प्रकार का सुधार आता है। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हैं इस ऋतु में प्रारंभ होती हैं, स्प्रिंग पास्ट टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा, अलग से हमारे आचार्यों ने उसके ऊपर बहुत टीकाएं लिखी हैं। परंतु ये बसंत से मुझे एक बात याद आई कि एक है बसंत और एक है संत, तो बसंत और संत ये दोनों हमारे जीवन में कितना जरूरी है इसे हम आज अंत करेंगे। जैसे बसंत ऋतु में प्रकृति में सुधार आता है, वैसे जब संत का संग होगा तो संस्कृति में उधार आएगा, संस्कृति में सुधार आएगा हमारा। तो बसंत से प्रकृति में सुधार आता है और सत्संग से या संत के संग से हमारे संस्कृति में सुधार आएगा। तो जैसे आज के दिन से प्रकृति में सुधार हम देखेंगे, उसी के साथ साथ यदि हम संतों का, प्रामाणिक संतों का संग करेंगे तो हमारी संस्कृति में भी सुधार आएगा। और जब संस्कृति में सुधार आएगा तब जाकर सही मायने में हमने ये आज का जो पर्व है नव वर्ष का, ये पर्व गुड़ी पाड़वा का, जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आज के दिन किया, तो हम भी ब्रह्मा जी जो कि हमारे आचार्य हैं, हमारे परम गुरु हैं इस पूरे संप्रदाय के, तो हम उनको हमारी ओर से कि पूरी सृष्टि का जो प्रयोजन इसलिए है ताकि हम इस सृष्टि को श्री राधा मदन गोपाल जी की सेवा में इस्तेमाल करें, जब हम इस प्रकृति को राधा मदन गोपाल जी की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रकृति नहीं, वो संस्कृति बन जाती है। और जब वो संस्कृति बन जाती है तो वो संस्कृति
जो आध्यात्मिक संसार है उस आध्यात्मिक संसार को इस संसार में उतारती है, ताकि हम यहां पर ट्रेन होकर फाइनली पूरा पक्के बनकर जो भगवान की वो वैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन की संस्कृति है उस वहां जाने के लिए योग्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? पेड़ जैसा आपने आज बताया सुगर उम्र के बारे में, पेड़ जितना बड़ा होता जाता है वैसा सुंदर दिखता है, और मनुष्य की आयु जैसे बढ़ती है वो अधिक क्रूर दिखने लगता है, लेकिन ये मालूम होते हुए भी लोग ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक सर्जरी और दूसरी बातों पे खर्चा क्यों करते हैं? देखिए, ये जो आपने दृष्टांत दिया कि क्यों ऐसी चीजें लोग करते हैं, तो जब कोई देहात्म बुद्धि में होता है कि मेरा जो देह है वही एकमेव मेरे भोग का साधन है, तो देहात्म बुद्धि में लोग इन सब के ऊपर खर्चा और अपने आप की सुरक्षा, जैसे हिरण्यकशिपु भी अमर बनना चाहता था। क्यों अमर बनना चाहता था? ताकि इंद्रिय भोग वो अनियंत्रित तरीके से कर सके, क्योंकि इंद्रिय भोग के ऊपर मरण जो है वो एक बहुत बड़ी बाधा है, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब बहुत बड़ी बाधा है। तो हिरण्यकशिपु, रावण जैसे देहात्म बुद्धि जब होती है तब व्यक्ति जो है वो भौतिक सुख साधनों का सहारा लेता है सुख प्राप्त करने के लिए। परंतु जब हम, इसलिए आज जो हमने चर्चा की कि जब हम ऐसी वैदिक संस्कृति के संपर्क में आते हैं तब हमें पता चलता है कि वास्तविक आत्मा का जो आनंद है वो इस देह के परे है, और जब आत्मा के स्तर पर हम आनंद खोजना और आनंद मैं जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे खोखली लगती। इसलिए आपका प्रश्न है कि ये लोग ऐसा खर्चा क्यों कर रहे हैं, तो मेरा प्रश्न है कि क्यों नहीं हम सब मिलके हमारी ये संस्कृति को बढ़ाएं ताकि उनका खर्चा भी हम कम करें। हाँ, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से उनका खर्चा भी कम हो, और उसके साथ साथ जो समय की बर्बादी हो रही है इन सब चीजों में, उस समय की बर्बादी उनकी ना हो, और जो समय उनको प्राप्त हुआ है उस समय में वो अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा सिद्ध करें। तो हमें आज के दिन शुरुआत करनी चाहिए कम से कम अपने स्वयं के परिवार से, कि जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हो तो आपके स्वयं के परिवार में आप ये संस्कार डालो, और यदि एक परिवार ऐसा संस्कारी बनेगा तो वो बहुत से परिवारों को उस प्रकार से संस्कारी बनाएगा, और बहुत से परिवार, एक समाज ऐसे संस्कारी बनेगा तो पूरा राज्य हो सकता है।